भारत देश में नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ के इन 9 पावन दिनों को लेकर भक्तों के मन में असीम आस्था और श्रद्धा होती है। वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें चैत्र मास के नवरात्रि और शारदीय मास के नवरात्रि प्रमुख हैं, और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना के लिए मनाए जाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में लोग मन में माता रानी के प्रति असीम आस्था और विश्वास रखते हुए व्रत रखते हैं, घर स्थापना करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता या उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि, और अगर आपने भी माता रानी के व्रत रखे हैं, तो ये जरूरी नियम जान लें और व्रत के दौरान इनका पालन अवश्य करें। नवरात्रि व्रत करने के जरूरी नियम। व्रत करने का मतलब केवल भोजन ना करना नहीं है, बल्कि मन को भी साफ रखना है। व्रत के दौरान अपना पूरा ध्यान भक्ति भाव में लगाने और नियम अनुसार पूजा पाठ करने से ही व्रत पूरा होता है, लिहाजा इन नियमों का पालन जरूर करें। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना करें। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने और फिर पूजा स्थल की भी सफाई करें। इसके बाद रोज नियम अनुसार पूजा करें। सुबह के अलावा शाम को भी घी का दीपक लगाकर आरती करें। यदि घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित की है, तो उसके 9 दिनों तक 2400 घंटे प्रज्वलित रखने का उचित इंतजाम करें। आखिरी दिन पूजा के बाद उसे बुझाए नहीं, बल्कि अपने आप ठंडी होने दें। दिन में जब भी समय मिले, रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्र जाप करें। व्रत में फलाहार करें, गलती से भी तामसिक चीजें ना खाएं। माँ दुर्गा उन्हीं लोगों पर कृपा करती है जिनका मन भी शुद्ध हो, लिहाजा व्रत के दौरान ना गुस्सा करें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। इस दौरान बाल व नाखून ना काटें। जय माता दी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।